मैं अदमदार ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट के हैसियत से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये जो मेरे पीछे आपको ये कम्प्लेक्स दिख रहा है, ये हमारे यहाँ सराइड शरीफ में एक शॉपिंग कम्प्लेक्स है जो पिछले 20 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ JKPCC वालों ने तामीर किया था, लेकिन बदकिस्मती से 20 साल से यह वैसा का वैसा ही लटका हुआ है। हर साल इसकी पेमेंट तो आती है, लेकिन वो पेमेंट कैसे सरफ होती है, किस में खर्च होती है, ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि हमने बार बार हाई अथॉरिटी से इसके बारे में बात की, हम भी बहुत सारे मिनिस्टर साहिबान के पास भी गए, तो वहाँ पे जो बात इनके हाई अथॉरिटी से हुई थी उस टाइम उन्होंने बोला था कि ये 2 करोड़ में मुकम्मल हो जाएगा। चूँकि 2 करोड़ रुपये शायद उस टाइम वागुजार हुआ था हमारे सामने, तो उस टाइम की साबिका जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी महबूबा मुफ्ती, उसने उस वक्त बिल्कुल उसी टाइम उसी मीटिंग में दो करोड़ रुपए सेंक्शन भी किए। लेकिन बाद में सुनने में ये आ रहा है कि इसकी बैकलॉग कुछ पेमेंट 5 करोड़ की फंसी हुई है। तो ये हमारी समझ के बाहर है कि आखिर ये कम्प्लेक्स कितने अमाउंट में मुकम्मल हो जाएगा। और इस अमाउंट ये कम्प्लेक्स जब तामीर होने जा रहा था तब तो शायद उस वक्त क्लियर हुआ होगा कि कितने अमाउंट में ये कम्प्लेक्स पूरा होगा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ, ये जो आज हमारे DC साहब है, क्योंकि आज तो सब उन्हीं के अख्तियार में है, तो उनसे हमारी ये पुरजोर गुजारिश है कि इतना अरसा बीत जाने के बाद भी, क्योंकि 1905 में यहाँ पे जो होलनाक वारदात आग की हुई थी, तब गवर्नमेंट ने हमें बोला था कि ये जो गटेड शॉप्स यहाँ पे हुए करीब 400 के ऊपर जो दुकान यहाँ पे जले हुए थे, तो उस टाइम हमें बोला गया था कि आपको रिहेबिलिटेट करने के लिए आपको एक शॉपिंग कम्प्लेक्स हम बना के देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक 1905 से लेकर अब तक 2020 तक इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी ये कम्प्लेक्स वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो हमारी DC साहब से पुरजोर इल्तिमास है कि प्लीज़ वो JKPCC वालों के साथ इस बारे में बात करे और उनसे ये पूछ ले कि ये कम्प्लेक्स आखिर कब तक पूरा हो जाएगा। थैंक यू।